नमस्कार, द मुस्कान फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लौकी वर्गीय एक ये सब्जी है जिसका नाम है चिचिंडा, और ये हमने अपने रूफटॉप किचन गार्डन जहाँ पर हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, और आप ये जानते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज जो हमारा मेन फोकस है वो है चिचिंडा के ऊपर। तो ये हमने अपनी छत पे 18x18 ग्रो बैग में ये हमने इसकी बेल लगाई थी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चिचिंडा है ये बरसात के टाइम में लगाया जाता है, तो ये हमने जून जुलाई में हमने लगाया था, और इसको ग्रो होने में करीब 90 दिन का वक्त लगता है, और 90 दिन में ये फूल से फल देना शुरू कर देता है। तो हमारे छत पे और भी लगे हुए हैं इसके साथ के, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये बेल हमने कहाँ से ग्रो की थी। तो ये हमारी जो चिचिंडे की बेल है, हमने इस कंटेनर में 2 चिचिंडे के बीज लगाए थे और वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो गए थे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही बेल यहाँ से जा रही हैं, और इन दोनों बेल के माध्यम से हमें बहुत सारे चिचिंडा की जो सब्जी है वो मिली। अब बात करते हैं कि अगर जिनके पास इतना बड़ा कंटेनर नहीं है तो वो क्या करें। तो उसके लिए आप 18x18 या 24x24 अगर आपके पास ग्रो बैग है, जैसे हमारे पास है, ये देख सकते हैं इस तरीके के ग्रो बैग हैं। तो अगर ये कंटेनर नहीं है या कोई बड़ा आपके पास लगाने के लिए कोई भी नहीं है ग्रो बैग, तो आप इन ग्रो बैग के माध्यम से इस बेल को आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि इनको लगाने के बाद अधिक उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें मिट्टी और ये बेल काफ़ी लंबी जाती है, तो छोटे बैग में ये प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती। आप ये देख सकते हैं सबसे बड़ा भी साइज़ में देखा जाए तो हमारे पास ये इतना बड़ा हो चुका है चिचिंडा। ये लौकी वर्गीय सब्जियों में आता है, हालांकि हमें जब हमने बनाया था ये तो हमें खाने में थोड़ा सा कम अच्छा लगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं, इसको खाना पसंद करते हैं। हमने ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया इसका अपनी छत पे, और सोचा कि चलो हम देखते हैं कि हमारी छत पे हम ग्रो कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो गया। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे ये लटके हुए हैं, तो आज हम फाइनली इसको तोड़ लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है साइज़ में। तो मैं इसको तोड़ ही लेती हूँ, और इसकी इतने लगने के बावजूद भी आप देखिए इसका जो ये बेल है अभी स्वस्थ चल रही है, इसमें कोई भी रोग नहीं है। पर ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, लंबा करके दिखाओ जरा, तुम्हारी हाइट से थोड़ा सा ही बड़ा। नहीं, मेरी से तो छोटा ही है, लेकिन आप ये देखिए ये सबसे बड़ा है अभी तक का, और मैंने इतना बड़ा नहीं देखा। तो आप ये देखिए, इसके अलावा पीछे भी लगे हुए हैं, तो आज हम ये सारे तोड़ लेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था, वीडियो भी बनाई थी, कि हमारी छत पे करीब 7-8 तरीके के हमने बैंगन लगाए थे, उसी में ये सारे बैंगन थे, और ये तो ठीक हैं। इसके अलावा बीच में जो हमारे ग्रो बैग थे तो उसके जो बैंगन हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, उसमें जो है रोग आ गया था, और इस वजह से हमने ये सारे बैंगन यहाँ से हटा दिए। ये ठीक है, तो इसलिए हमने इनको छोड़ दिया है। आप ये देखिए ये सारे हमने अभी हटवा दिए, क्योंकि इस पर जो है ये सारे ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गए थे, जगह भी काफ़ी सारी घिर रही थी, तो हमने सोचा कि अब इनकी जगह दोबारा मिट्टी तैयार करके और इनमें हम बनाएंगे टमाटर की पौध लगाना शुरू करेंगे। और हालांकि हम कंट्रोल करने की सोच भी रहे थे, हमने नीम ऑयल भी इस पे डाला, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हुआ, वो रोग बहुत ज़्यादा था, तो हमने इनको निकालना ही बेस्ट समझा, क्योंकि वो फिर दूसरे पौधों को भी ख़राब कर देता। तो आज हम थोड़ी सफाई भी कर रहे हैं, और ये नए प्लांट हमारे बैगन के एकदम स्वस्थ हैं, ये बिल्कुल इस पर किसी तरीके का कोई रोग नहीं है, और इनको ख़राब ना हो इस वजह से हमने जो हमारे ख़राब थे पौधे हमने उनको बिल्कुल हटा दिया। और बाकी बीच बीच में हम ये देखते रहते हैं कि हमारे जो स्वस्थ पौधे हैं उन पर कोई रोग तो नहीं आ गया। बाकी टमाटर के ये ऊपर जो प्लांट हैं इनको अभी प्रॉपर तरीके से हम बांध के नीचे हम इनको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे ये जा रहे हैं, तो इनको हम सिक्वेंस से लगाएंगे। तो
बाकी उधर देखिए हमारी मिट्टी भी हम साथ के साथ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने बैंगन के पौधे हटा दिए, लेकिन अब बात करते हैं नए प्लांट लगाने की। तो जो हमारे पास अभी टमाटर की पौध है तो उनको हम शिफ्ट करेंगे ये जो खाली हमारे ग्रो बैग है उनमें। तो मिट्टी भी हम भैया से साथ के साथ काम करवा रहे हैं, तो मिट्टी भी हम बनवा रहे हैं। इस मिट्टी को दोबारा से हम रिचार्ज करेंगे क्योंकि खाद डालेंगे, इसमें, और इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोबारा से इसमें गोबर की जो हमारी सूखी खाद है। मिट्टी के बारे में हम आप हमारे पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आज का हमारी जो छत का जो अपडेट था वो हमने आपके साथ शेयर किया, और आगे जो है हम आपको फिर मिलते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे अपने बारे में। ये देखिए दोबारा ये हमारे फिर चचनटा के बीच में मैं आ गई, और ये फिर आपको जो मैंने ग्रोथ बताई थी ये भी उतना ही शायद लंबा होगा, क्योंकि बेल अभी हमारी बिल्कुल स्वस्थ है। तो आगे की अपडेशन हम आपको देते रहेंगे, और उसके साथ में अगर आपको कुछ और आपके क्वेश्चंस हों या आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल द मुस्कान फैमिली को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।